कवर्धा कांड के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद। आपको बड़ी जानकारी दे दे, दंतेवाड़ा, मुंगेली, रायपुर में असर दिखा है। शहर में दुकानें और बाजार बंद है। कांग्रेस ने थाने बंद का आह्वान किया है। बड़ी जानकारी अब तक साझा कर दे, कांग्रेस द्वारा थाने बंद का आह्वान किया गया है। और यहां पर अब देखिए किस तरह से यहाँ पर भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही दंतेवाड़ा, मुंगेली, रायपुर में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। शहर में दुकानें और बाजार हालांकि बंद है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेडिकल व्यवस्था की, सुविधाओं की, तो वो हालांकि चालू है। और कवर्धा कांड के आपको बता दें, देखिए किस तरह से कवर्धा कांड अब तूर पकड़ता जा रहा है। पांच तस्वीर आप देखिए, पांच तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की पहली तस्वीर है, देखिए लोहाडी मामले को लेकर किस तरह से दुकानें यहां पर बंद है, कांग्रेस द्वारा बंद का आह्वान आज किया गया। दूसरी तस्वीर आपको मुंगेली की दिखा रहे हैं, देखिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां वाहन ही सड़कों पर नजर आ रहे। तीसरी तस्वीर आप देखिए कवर्धा से, ये जानकारी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कवर्धा से जो फुटेज आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए किस तरह से सुनसान पूरा इलाका पड़ा हुआ है, कुछ जो तमाम जो जिंदगियां हैं, जनजीवन है, जो लोग हैं वो ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सारी दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं चौथी तस्वीर बालोद की, जहां पर ये देखिए दुकानों के शटर गिरे हुए हैं और किस तरह से बंद का समर्थन यहाँ पर किया जा रहा है। पांचवी तस्वीर यानी कि जो तस्वीर बीच में है, यानी कि दंतेवाड़ा की तस्वीर, दंतेवाड़ा की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से सुनसान पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र नजर आ रहा है और लोग कितने ज्यादा यहाँ पर समर्थन का, यहाँ पर समर्थन करते हुए इस बंद को लेकर नजर आ रहे हैं वो आप देखिए। तो देखिए बंद को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से कवर्धा में घटना हुई, निर्मम हत्या है और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से बर्बरता के साथ मारा और उनकी हत्या हुई, कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता में आक्रोश है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस वालों पे और जो भी दोषी कर्मचारी हैं उन पे हत्या का केस दर्ज होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए इन मुद्दों को लेकर। और जिस तरह से लगातार सरकार की विफलता की वजह से घटनाएं घट रही है, इससे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोश है। इन मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बंद का ऐलान किया। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे रायपुर से। अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, कवर्धा कांड के बाद अब कितना असर भारत बंद का आज पूरे रायपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ के कवर्धा के लोहारी डीह में जो कांड हुआ था उसके बाद सरकार एक्शन में है और सरकार के एक्शन के बाद अब विपक्ष जो है वो भी अपनी भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रहा है। सरकार के एक्शन की अगर बात करें तो कवर्धा जिले के एसपी को भी हटा दिया गया है, कलेक्टर को भी हटा दिया गया है और रेंगाखार जो थाना है वहाँ के एएसआई समेत अगर हम पूरे स्टाफ की बात करें तो 23 लोगों को एक साथ लाइन अटैच कर दिया गया है। नए एसपी, नए टीआई, नए कलेक्टर जो हैं वो कवर्धा ज़िले में बुलाए गए हैं। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसने कहीं ना कहीं बड़ा तूल पकड़ा है और इस बड़े घटनाक्रम ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दिया है और यही कारण है कि विपक्ष जो है उस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है, बातचीत की है और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इसको छत्तीसगढ़ बंद कराकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनाने की इसको कोशिश की जाए। आज सुबह की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। कहीं पर दुकानें बंद हैं, कहीं पर दुकानें बंद नहीं हैं। रायपुर की अगर बात करें तो पीसीसी चीफ दीपक बैज दुकानें बंद कराने निकले हैं, मेयर एजाज ढीवर उनके साथ हैं, सब्जी मार्केट में वो दुकानें बंद कराते हुए दिखाई दिए थे। और अगर हम सरकार के एक्शन की बात करें तो सरकार ने एक्शन लेने के साथ साथ जो पीड़ित परिजन हैं उनको 10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान भी किया और मुआवजा उनको दे भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और उनके नेतृत्व में तमाम एक्शन देखने को मिले हैं। हम राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव चौक पर खड़े हैं, जो तेलीबांधा इलाका है, इसको रायपुर का मरीन ड्राइव कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ भरा इलाका है और यहाँ पर हम कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से बंद दुकानें हैं तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि दुकानें, चूँकि सुबह का समय है, 11-12 बजे के बाद ही पूरा मार्केट खुलता है, कुछ दुकानें खुल गई हैं, कुछ दुकानें खुल रही हैं और कुछ दुकानों की अगर बात करें तो बंद है, तो शायद वो 12 बजे तक खुलेंगी। मतलब स्पष्ट रूप से ये कह देना कि पूरी तरीके से मार्केट बंद है ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे विषय को एक बड़ा मुद्दा, बड़ा आधार बनाने की कोशिश की है, उस आधार में थोड़ी सी सफलता तो कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दुकानें जो हैं, कुछ दुकानें खुल गई हैं और कुछ दुकानें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब साफ है कि सुबह सुबह जो है कांग्रेस पार्टी का जो छत्तीसगढ़ बंद है उसको असरकारक बताने की कोशिश की गई है और असरकारक स्वाभाविक तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 11 बजे के बाद जब पूरा मार्केट खुल जाएगा या पूरे मार्केट जो समय होता है दुकानें खुलने का, उसके बाद स्पष्ट होगा कि क्या इस असर का। कुछ 12 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार लोगों द्वारा क्या कांग्रेस के बंद का आह्वान, जो कांग्रेस द्वारा ऐलान किया गया है बंद का, उसका समर्थन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, या थोड़ी देर में दुकानें कितनी खुलती नजर आती है। हमारे साथ कवर्धा से वेद साहू भी जुड़े हुए हैं। वेद, कवर्धा कांड के बाद अब क्या कुछ तस्वीर फिलहाल कवर्धा में देखने को मिल रही, क्योंकि कांग्रेस द्वारा बंद का आह्वान किया गया है और बंद का कितना असर पूरे कवर्धा में देखने को मिल रहा है, जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, अगर किस तरह से लोहारी डे का मामला पहले दिन जैसे ही सामने आया, उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी इस मामले से जुड़ती हुई नजर आई और इस मामले को प्रदेश स्तर पर उठाने की लगातार प्रयास किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, दीपक बैस से लेकर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, लगातार जो है जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। तो उन्होंने जब मुलाकात किया तो उसके बाद जब कवर्धा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ऐलान किया कि 21 सितंबर को पूरे जिला सहित पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया। तो इसी को देखते हुए आज कवर्धा जिला में व्यापक बंद का असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपील किया था, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पूरी जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से कवर्धा जिले में बंद नजर आ रही है। हालांकि आवागमन चल रहे हैं, बस में जो यात्रा कर रहे हैं, बस के जो यात्री हैं वो आवागमन कर पा रहे हैं, बस है और भी जो मेडिकल सुविधाएं हैं, फल सब्जी की दुकानें हैं वो खुली हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बंद की अगर हम बात करेंगे तो जो मार्केट है वो पूरी तरह से बंद है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं कवर्धा के, वो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो आह्वान है उससे जुड़ते हुए नजर आए और इस बंद में उन्होंने अपना सहयोग किया है। बिल्कुल वेद, और पीछे की तस्वीरें भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, किस तरह से बंद का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जनता किस हद तक इस बंद का समर्थन कर रही है। पूरी नगर में मौजूद हूँ, वहाँ से मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है वे, तो बंद का असर देखने को मिल रहा है, हालांकि लोग भी बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन की शुरुआत होगी लगभग 12 बजे तक ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि कितना हद तक लोग इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वेद और अंकुश, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।